उत्तराखंड में आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसे देखते हुए किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि मुआवजे के नाम पर सरकार बहुत कम मुआवजा देती है। इसके साथ ही सभी स्कूलों में बरसात का पानी भरा हुआ है, इससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। डोईवाला चीनी मिल से लाखों किसानों की जीविका चलती है। यदि इस चीनी मिल को बंद किया गया तो इसे प्राइवेट हाथों में दे दिया गया तो किसान यूनियन आंदोलन करने को मजबूर होगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इकबालपुर उन मिलों में अगर कहीं शिफ्ट करते हैं तो यहाँ से आने जाने का, अब पौंटा से अगर वहाँ जाएगा गन्ना, कितना जो है भाई खर्च बैठ जाएगा, वो भी सब किसानों को वहन करना पड़ेगा। और फिर यहीं से उठाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो वहाँ से तो पूर्ति नहीं हो पाने की। तो हमारा मानना है अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें बड़ी दिक्कत होगी, और अगर दिक्कत होगी तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की।